नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं अपलिफ्टर या फिर राइजर की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं, यहां पर एक म्यूजिक फाइल आपके सामने खुली हुई है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ग्रेट। यहाँ पर अगर आप देखें तो नॉर्मल अरेंजमेंट हो रखी है। मैं इसके ऊपर जाता हूँ और ये सब चीज़ें इस तरह से मैंने एक लीड बनाई है जो आपने ऑलरेडी सीखी हुई है। ये एक I was improvising. यहीं पर एक वोकल्स में पड़ी होती है, उसी को काट कर मैंने आ आ आ आ आ, आ, आ इस तरह से इफेक्ट बना रखे हैं। तो ये सब तो आपने सीख लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ राइजर की। सिंपल एक लीड चलती है, लीड के बाद मेरा मेन जो ड्रॉप आता है उसको और इम्प्रेसिव कैसे बनाया जाए, जो यहाँ होगा। तो आइए बात करते हैं राइजर की। सबसे पहला तरीका एक राइजर बनाने का, मैंने कोई भी एक पैटर्न लिया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, 5 नंबर में ऑलरेडी कुछ है, चलिए 7 नंबर ले लेते हैं। डबल क्लिक, यहाँ पर मैं यहाँ से कोई भी एक लेता हूँ, चलिए टॉक्सिक में से हम यहाँ गए और मैं इसमें से कुछ इफ़ आई गो तो मैं लीड में से देखते हैं कोई अच्छी सी लीड। चलिए ये बहुत अच्छी है। राइट क्लिक, पियानो रोल, कहीं भी मैंने एक रख दी है। मैं बाहर आया, मैंने देखा वो पैटर्न 7 वहां पड़ा है, ठीक है। अब मेरा स्केल क्या है, मेरी की क्या थी, वही पुराने ट्यूटोरियल की तरह हमिंग करके आपने डी निकाल लिया, ठीक है। मैं यहां गया हूं, मैं यहां से डी पे क्लिक किया, इसको मैं थोड़ा आगे तक ले गया हूं, चलिए ये यहां पर है। इसको अगर हम थोड़ा पीछे तक भी रखना चाहें, चलिए मैंने यहां तक रखा। अब राइजर यहां पर अगर आप देखते हैं, ये ग्रीन एरिया जो है यहां पर, ये दो चीजें बनी हुई हैं। अगर ऊपर वाले पे हम यहां पढ़ते हैं हिंट पैनल में, अगर ऊपर वाले पे देखते हैं तो लिखा है पोर्टामेंटो, नीचे वाले की ओर लिखा है स्लाइड। मैंने स्लाइड पे क्लिक किया, D4 मैं यहां गया, ये होगा D5, यहां गया मैं, ये होगा D6, मैं थोड़ा और ऊपर चला जाता हूं, ये होगा मेरा D7, मैंने D7 पे क्लिक कर दिया। अब अगर आप देखें, जब मैं बेसिक कोई भी नोट लगाता हूं तो वो इस तरह से दिखता है, लेकिन जब मैंने स्लाइड वाला कोई नोट लगाया होता है तो वहां पर ये स्लाइड का निशान उस नोट के ऊपर नजर आएगा। अगर आपके पास अभी कोई मिडी बोर्ड पड़ा है, अगर आपने ऑलरेडी परचेज कर रखा है, तो आप देखेंगे उसके लेफ्ट साइड में एक छोटी सी नॉब है जिसके ऊपर लिखा होगा पिच बेंडर या पिच शिफ्टर। वो यही काम करता है कि मुझे इस नोट से इस नोट तक पिच को शिफ्ट करना है। अब ये जैसे जैसे ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे सीधा ही इस नोट से इस नोट के बीच में बहुत ही स्मूथली ऊपर ऊपर जाता चीज चाहिए। किस तरह से, मैं पहले यहां पर ये क्लिक करता हूं ताकि मैं सिर्फ पैटर्न सुन सकूं। D4 से D7 वो इजीली अपने आप ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। इस चीज़ को आप अलग अलग मेलोडी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैं कैसे करूँगा वो अगले ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे। फिलहाल हम इसमें बात करने वाले हैं अपलिफ्टर की। मैंने छोटी सी चीज़ यहाँ लगा दी है, मैं बाहर आता हूँ और ये यहाँ पर लगी हुई है। आइए देखते हैं क्या बना। ग्रेट, चलिए थोड़ा सा इम्पैक्ट हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहूँगा। किस तरह से, मैंने एक और पैटर्न लिया 8, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, यहाँ से हम ले लेते हैं एक, चलिए 3x ऑसिलेटर। ये एक दिखने में बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही कारगर VST है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत अलग अलग तरह की आपको टिम्बर नज़र आ रही है। टिम्बर क्या चीज़ है, जो भी ये
वेव, चाहे ये साइन हो गई, स्केयर टूथ हो गई, ये नॉइज हो गई, मैंने पहले ऑसिलेटर पे नॉइज सिलेक्ट किया। आपको दिख रहा है थोड़ा सा नॉइज आना शुरू हो गया है। दूसरे ऑसिलेटर पे भी मैंने फिर से नॉइज लिया, अभी वो थोड़ी सी हमिंग दे रहा है। मैंने तीसरे पे भी फिर नॉइज लिया, अभी सिर्फ नॉइज रह गया है। वाइट नॉइज का कोई भी सुर नहीं होता, आप पूरे कीबोर्ड में कहीं भी प्ले करेंगे तो वो एक ही सुर देगा। बंद किया, राइट क्लिक, पियानो रोल, कहीं भी क्लिक करेंगे एग्जैक्टली सेम, मैंने कहीं भी लगा दिया है। जरूरी नहीं कि मैं डी पे ही लगाता, जी शार्प पे लग गया है, चाहे बी पे लगा दो, चाहे सी शार्प पे लगा दो, ये मेरा यहां लग गया है। वापिस हम जाते हैं 3x ऑसिलेटर। अब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम कहेंगे ऑडियो मिक्सर। ऑडियो मिक्सर अच्छी तरह से किस तरह से है एलेबोरेटिवली हम अगले ट्यूटोरियल में उसकी बात करेंगे, फिलहाल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे ले लीजिए। यहाँ पर आपको जितने भी साउंड्स आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ आपको एक छोटा सा बॉक्स नज़र आता है, ये बॉक्स है आपके मिक्सिंग चैनल का। मैं यहाँ से चलिए एग्जांपल ये लेते हैं कि पैटर्न 8 में मैंने 3x ऑसिलेटर लिया है, तो यहाँ पर मैं या तो स्क्रॉल या फिर सिर्फ माउस लेफ्ट क्लिक ऊपर नीचे पकड़ के मैं यहाँ कोई भी एक नंबर ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पर स्क्रॉल करके लिया 8। अब ये 8 का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ जाता हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ जिसमें ये आइकॉन बना हुआ है, आप हिंट पैनल में देखेंगे वहाँ लिखा होगा व्यू मिक्सर, इस पर क्लिक किया आपके सामने ये मिक्सर आ गया है और ऑलरेडी 8वां नंबर जो है 8वां चैनल सिलेक्ट हो रखा है। अगर आप इधर और इधर ध्यान से देखें, मैं जैसे जैसे इसको आगे पीछे सिलेक्ट करता जाऊँगा वो उधर होता जाएगा। मैंने यहाँ 28 किया, वो 28 हो गया। कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने 20 लिया, चलिए वापस 8 लेते हैं, क्योंकि इजी प्रैक्टिस यही रहेगी, जो पैटर्न है वही मेरे मिक्सर के साथ नंबर कनेक्ट हो रखा हो। 8वें चैनल के ऊपर मैं गया हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ इस पैनल की ओर। अब ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है हम अगले ट्यूटोरियल्स में धीरे 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 सीखते जाएंगे, फिलहाल मुझे यहाँ क्या करना है, इस पर क्लिक किया, बहुत सारी ऑप्शंस आ गई। इन ऑप्शंस में से आपको जाना है फ्रूटी फ्री फिल्टर, FFF, इस पर क्लिक किया आपके सामने आ गया है फ्रूटी फ्री फिल्टर। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये क्या है, इसे भूल जाइए, हमने सिर्फ बात करनी है इस फ्रीक्वेंसी की। और फिल्टर एग्जैक्टली क्या है ये भी हम आगे जाके सीखेंगे, फिलहाल हम सिर्फ एक इफेक्ट बनाना सीख रहे हैं, जो इसके पीछे ऑडियो इंजीनियरिंग है वो हम आगे जाके डेफिनेटली सीखने वाले हैं। इसको कर दीजिए एकदम फुल। अब जब इसको फुल कर दिया है मुझे क्या करना है, राइट क्लिक, वही क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, मैंने इस पर क्लिक की, वापस आता हूँ और यहाँ देखता हूँ एक ऑटोमेशन क्लिप यहाँ पर बनी हुई है जो 8 के लिए थी, तो मैं इसको 8 के नीचे रख देता हूँ। अब सुनते हैं पहले क्या चीज़ चल रही है। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम भी बढ़ा देते हैं, इस पर किया ऑल और ये ऐसे। मुझे क्या चीज़ चाहिए, पहले तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ के किया पीछे, और जो ये है कंट्रोल पॉइंट इसको मैंने कर दिया 0, यहाँ राइट क्लिक एक लिया इसको कर दिया मैंने फुल। फिर से देखते हैं, तो चलिए अब सुनते हैं कि पूरा क्या चीज बन गई है। चलिए थोड़ा सा और इम्पैक्ट आ गया है, हल्का हल्का ये क्रिसेंडो क्रिएट कर रहा है, इस तरह से लग रहा है कि हाँ कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, धीरे 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 वो बिल्डअप हो रहा है, और प्रॉपर बिल्डअप के बाद आप अच्छी कोई लीड लगा सकते हैं, कोई बढ़िया ड्रॉप लगा सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और सजावट दूंगा, किस तरह से मैं यहाँ जाता हूँ, चलिए कोई स्नेयर लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, फिलहाल मैं ये ले लेता हूँ। चलिए इसको किया मैंने थोड़ा सा जूम, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऑल्ट प्रेस करके मैंने किया पीछे, ये लिया, आइए सुनते हैं।
थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। इसको पकड़ा, इसे किया पीछे, इसे पकड़ा, इसे ले आए नीचे। अब जब ये चीज़ नहीं थी, ये मेरा नॉइज़ वाला नहीं था और ये स्लाइड वाला राइजर नहीं था, तब देखिए किस तरह से फील देता था। और अब सब कुछ मिला के किस तरह से वो एक प्रॉपर म्यूजिक की एमलगमेशन सी बना देता है। अब हम जाते हैं YouTube पे और कोई भी एक गाना सुनते हैं, थोड़ा उससे आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से एक प्रोफेशनल गानों के अंदर राइजर या अपलिफ्टर यूज होता है। इसमें अब हम आगे देखेंगे, जब एक पैराग्राफ खत्म होता है रैप का और दूसरा शुरू होता है तो बीच में एक हल्का सा राइजर दिया हुआ है, सिर्फ वो बिल्डअप क्रिएट करने के लिए। अब ये लाइन आने से पहले आपने देखा कि उसके बाद लिखता कविता सारी रात में, तो उससे पहले जो एक राइजर है उससे एक फील आती है। तो आप कितने ही सारे गानों के अंदर ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, कोई ड्रॉप आने वाला है, कोई लीड आने वाली है, कोई कोरस आने वाला है या कोई मेन वोकल सेक्शन आने वाला है, उससे पहले चाहे आप ड्रम्स के साथ खेल सकते हैं, आप वाइट नॉइज़ के साथ खेल सकते हैं उसके फ्री फिल्टर को ऑटोमेट करके, आप स्लाइडिंग नोट के साथ खेल सकते हैं। तो इस तरह से अलग 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 एक्सपेरिमेंट्स करके किसी भी तरह का राइजर या अपलिफ्टर बना सकते हैं। अब हम चलेंगे अगले लेक्चर की तरफ, जहां हम मेन बात करेंगे मिक्सर की, क्योंकि मिक्सर इंट्रोड्यूस हो चुका है और अब हम धीरे धीरे मिक्सिंग की तरफ भी जाना शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले लेक्चर की ओर, तब तक के लिए दे फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट। नमस्ते।